हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि आपकी क्लास 10th का साइंस चैप्टर 2 है, केमिस्ट्री पोर्शन से है ये। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस और सॉल्ट्स के बारे में। तो ये इसका फ्लो चार्ट, इंडिकेटर्स, एसिड बेसिस, एसिड प्लस बेसिस क्या होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं, पीएच स्केल, डाइल्यूशन, सॉल्ट्स, सब कुछ इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो या स्टे ट्यून्ड एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो। तो इंडिकेटर्स, दीज आर सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और ऑर्डर व्हेन एडेड इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है, ये इंडिकेटर्स जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशन में जाकर हमें यूँ बताते हैं कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं। वो चेंज होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है। तो अगर बेसिकली बात करें तो टेल्स अबाउट सब्सटेंस बीइंग एसिडिक और बेसिक, यानी कि हमें बताता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब इसके जो है गाइस तीन पार्ट होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो एक एक को समझ लेते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर यानी कि जो कि हमें नेचर में प्लांट से या फिर किसी और चीज़ से मिल जाते हैं, तो ये नेचर से हमें मिल जाते हैं, नेचर, ठीक है। अभी तो मैं काम काम लिखते हैं, तो नेचर, बाकी इनके नोट्स जो आपको मिल जाएंगे तो आपको फुल फ्लेज लैंग्वेज में मिल जाएगा। एंड इसकी कुछ एग्जांपल्स की देखें तो लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर तो हमें बनाते हैं, तो ये कैसे हुआ, इसका जो मेन सब्सटेंस है वो जो है लिकन होता है एंड वो एक प्लांट से ही मिलता है, लिटमस पेपर। और टर्मरिन, टर्मरिन मतलब हल्दी, टर्मरिन का मतलब हल्दी होता है, ठीक है। एंड अब बात कर ले सिंथेटिक की, तो अगर वो नेचुरल तो ये सिंथेटिक यानी कि उसका उल्टा का, जो कि नेचर में हमें नहीं मिलते हैं एंड ये हम फैक्ट्री या फिर लेबोरेटरी या फिर किसी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, तो हम ह्यूमन मेड भी कह सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वो होंगे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफेथिलीन, फिनोफेथिलीन, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं, अब है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में जाकर, ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, ऑनियन भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हमें मतलब नेचुरल इंडिकेटर भी है, हाँ। तो ये है कि नेचुरल भी हो सकता है एंड ये वाला भी हो सकता है, मेन तो यही है, ठीक है। ये एज अ जो सिर्फ स्मेल चेंज होता है तो उसके लिए ये नया बना दिया गया था। तो इसके हैं एग्जांपल ऑनियन, वनीला, वनीला इज अ डिफरेंट सब्सटेंस, इसे ज़्यादातर यूज किया जाता है अल्कोहल के साथ केक बनाने के लिए, केक में अल्कोहल। एंड क्लोव, एंड ये होते हैं हमारे तीन टाइप के इंडिकेटर्स। इनकी कुछ एग्जांपल हैं जिनमें यूं भी लिखा हुआ है कि एसिड में कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस पर लिखे हुए हैं। तो इससे हमारा जो है इंडिकेटर टॉपिक खत्म। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एसिड्स। अब एसिड और बेस जो है बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक हैं, ये एसिड ही अकेला बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टॉपिक कवर कर ले, चैप्टर कवर कर लेता है। तो यार इसी पे ध्यान देंगे अच्छे से। सब्सटेंसेस दैट कंटेन एच प्लस आयन, एसिड वही होता है जिसमें एच प्लस आयन होते हैं वो एसिड है, और एच प्लस आयन होने के कारण इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि H प्लस आयन है तो एसिड है। एंड इसकी जो है प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं अब हम,
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये चेंज कर देता है, चेंज इज ब्लू लिटमस रेड, यस मतलब चेंज इज ब्लू लिटमस टू रेड। जो लिटमस पेपर होता है वो ओरिजिनली नहीं पता था, न्यूट्रल जो है पर्पल होता है, एंड जब वो एसिड में होता है तो वो ब्लू से रेड बन जाता है। तो और ये टेस्ट सोर ऑल डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट, अभी तो इतना ही समझ लो कि डाइल्यूट मतलब इसके अंदर वाटर है, H2 एसिड और वाटर होते हैं तो उसे हम डाइल्यूट एसिड बोल देते हैं, ठीक है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड क्यों करते हैं वो भी हम रीजन आगे देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम जान लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इन्होंने रिएक्शन दे रखे हैं तीन सब्सटेंसेस के साथ। तो उसमें से पहली है रिएक्शन विद मेटल्स। तो हम चलो ये पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स कि एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि ये जो एसिड अभी आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आप इन सबको याद कर लीजिए ताकि जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो अभी आसान हो जाए, एंड काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो कि फ़ायदेमंद है। तो आई होप तुमने स्क्रीन शॉट वीन शॉट ले लिया होगा, लिख रहे होंगे। तो चलो, तो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे कर देते हैं, ये थोड़ा अलग दिखेगा, माइनस का लग रहा था। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मैंने डाइल्यूट एसिड लिखा है जानबूझकर, ठीक है। तो बाकी वो कैसा एसिड नहीं होएगा, वो डाइल्यूट ही होएगा जब एग्जांपल देगा। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट और एच गैस बनाता है, यानी हाइड्रोजन बनाता है, जो कि इवॉल्व होती है, ठीक है, इवॉल्व होती है ये गैस, एंड ये पॉप साउंड बनाती है। पॉप मतलब ठीक है, फटता सा थोड़ा सा पॉप ऐसे, ठीक है। तो ऐसा होता है, एंड बता दूं कि सोल्ट जो होते हैं, अभी तुम्हारी यूं ही बाकी आगे से पढ़ेंगे एकदम लास्ट में, तो सोल्ट सोल्ट जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, ये डेंजरस का सिंबल है आई गेस, वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो पॉइजनस होते हैं, एंड ये के बात बतानी थी। तो अभी आई होप तुमने ये लिख लिया होंगे। तो अभी देखो ये ट्रिक बताऊंगा, इनकी रिएक्शन कैसे बनानी है। तो मैं ऐसे ऐसे बोल देगा कि इसकी रिएक्शन कंप्लीट करो, तो मैं तुम्हें एग्जांपल क्या हो जाए, एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा एंड ये भी। तो यहाँ पर जिंक है जो कि एक मेटल है, एंड वो जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि एसिड का जो वो उसमें लिख रखा था नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट को जो है मेटल में जोड़ दो एंड वो सॉल्ट बन जाएगा। कैसे, तो इसे कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूँ। तो जिंक मेटल है, एंड H2SO4 का क्या है नेगेटिव पार्ट, H2SO4, और H2SO4 का जो नेगेटिव पार्ट है वो तो SO4 है, अब जो बच जाए उसमें हाइड्रोजन गैस तो तुम्हें पता ही कि बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बना दो, हो गया। तो ऐसे तुम्हें अपनी रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। तुम चाहो तो इसके आगे ये इस वाला सिंबल लगा लो, अच्छा लगेगा, एंड ये वाले भी कह देते हैं। तो Fe है, तो Fe मतलब HCl का नेगेटिव पार्ट होता है Cl, H, एक मिनट, हाँ। तो एक और बात की सोल्ट जो मतलब ये जो है, तुम्हें सोल्ट भी पढ़ाऊंगा तो थोड़े बहुत सोल्ट भी याद करना है। तो अभी अगर मैं ये FeCl2 लिखूं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे कुछ सोल्ट के एग्जांपल्स भी हैं वो भी याद कर लेंगे, तो ये एकदम ट्रिक जो है आसान हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिएक्शन की तरफ, एंड उससे पहले मैं कुछ, चलो हाँ, उससे पहले दो पॉइंट्स हैं मेरे पास। नंबर वन, अगर कोई बर्निंग कैंडल है एंड उसको हम हाइड्रोजन गैस के पास लाते हैं, हाइड्रोजन के पास, तो वो
पॉप की आवाज निकाल के बुझ जाएगी, ठीक है, वो पॉप की आवाज निकाल के बुझ जाती है वो। एंड ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये पूछा जाता है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें CBSE में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू नो इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज हाइड्रोजन इन इट और हाइड्रोजन इन्वॉल्व, तो या अगर वो रिएक्शन विद मेटल हो और एसिड हो तो तुम यही बता दो कि पॉप की साउंड आएगी तो वो जो है होगी। अब जो एक और नेक्स्ट जो है वो करते हैं, एक और जो मेन पॉइंट है वो, तुमने बर्तनों को देखा होगा, बर्तन क्या तुमने कभी किसी और मेटल के देखे हैं स्टील के अलावा? नहीं देखे, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि मेटल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड रिएक्ट करके वो पॉइजनस सॉल्ट बना लेता है। तो अगर कोई खट्टा वट्टा हम सामान रखेंगे ना, जैसे कि कर्ड या फिर जिसमें एसिडिक कोई सब्सटेंस हो, एसिड हो जिसमें, तो वो पॉइजनस हो जाएगा। ओके, इसलिए हम जो है किसी भी कॉपर ब्रास ऐसे किसी रिएक्टिव मेटल का यूज नहीं करते हैं यूटेंसिल्स के, उसमें हम स्टील का यूज करते हैं, वरना हमारा खाना जो है पॉइजनस। ये तो नो जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स जो है उनमें सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। तो चलो अगली रिएक्शन में पढ़ते हैं। तो अगली रिएक्शन रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हम बोल सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सिंपल कार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है कि एसिड के साथ जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और H2 बनाते हैं। ऑल्सो जो CO2 होता है वो इवोल्यूट हो रहा होता है, यानी इवॉल्व हो रहा होता है, यानी कि उसके ऊपर एक एरो आ जाती है। तो अभी नीचे एग्जांपल है CaCO3+2HCl, इसमें भी सेम है गाइस कि आपको जो है उनसे तो सोल्ट बनाना है नेगेटिव पार्ट से एंड फिर H2 और CO2 बना देना है, एंड CO2 को हमेशा लास्ट में लिखना। उस वाली रिएक्शन में पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं बेसिक वालों में। तो अभी ये कंप्लीट करते हैं, जैसे कि तो ये CaCO3+2HCl है, तो यहाँ पर मैं CaCl2 बना दूंगा। ये CaCl2 क्यों है? क्योंकि इसकी वैलेंसी ऐसी हो जाती है यहाँ पर आकर, एंड ये सोल्ट वाले एग्जांपल में करोगे याद। तो यार इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा याद ही करने का है, लगभग तो याद ही करने का है वैसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड प्लस H2O बना दो, अब तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं है, प्लस H2O प्लस में CO2 एंड इसे इवोल्व कर दो। ओके, एंड ऐसे ही हमने ये वाली भी रिएक्शन कंप्लीट कर, लेकिन इसका भी एक एग्जाम में पूछे जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम बोलते हैं टेस्ट फॉर CO2 गैस। तो इसमें क्या होता है, जब CO2 गैस होती है वो एक किसी लाइम वाटर यानी CaOH, हाँ यही होती है, इससे जब पास करी जाती है क्या प्लस CO2, तो वो जो है क्या बनाती है रिएक्ट करके ये हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है इसका कलर, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है ना इनके रिएक्शन से वो होता है एक मिल्की प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि होता है अपना CaCO3। ओके, एंड ये रिएक्शन जो होती है वो हम ऐसे लिखते हैं कुछ, ये मैंने अब डाउन वर्ड्स लिख दी है, ठीक है, प्लस CaCO3 प्लस में H2O। ओके, एंड या ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी, इस चीज को हम टेस्ट ऑफ CO2 गैस भी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन पे जो कि है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अगली रिएक्शन पर बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता जो कि बस नॉलेज के लिए है कि अगर उस वाले रिएक्शन में जो कि थी CaOH2 जो कि बन गया था हमारा CaCO3 प्लस में H2
ओके हाँ, तो क्या होता है इस रिएक्शन में, अगर CO2 जो है एक्सेस अमाउंट में पास कर दिया तो जो सॉल्यूशन जो बन के आता है ना वो कलरलेस हो जाता है एंड वो रिएक्शन ये बन जाती है, ठीक है, क्योंकि अब एक्सेस है तो फिर भाई मतलब इसके एक्सेस मतलब इसके बाद भी आ रहा है ना, तो फिर अभी यहाँ पर CO2 स्टिल गोइंग ऑन लिख दो ऐसे वाला सिंबल, ठीक है, एंड ये तुम्हारा हो जाता है CaOH, ओ एक मिनट, ये होता है CoH, हाँ एक मिनट, एक गलत लिख दिया मैंने याद नहीं, तो ये क्या बन जाता है, ये तुम्हारा बन जाता है, ये तुम्हारा बन जाता है CHCO3, ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए एक्स्ट्रा है, और ये होता है सोल्यूबल, ओके, तो एक और पॉइंट इसका, सोल्यूबल इन H2O, यानी कि पानी में सोल्यूबल, ठीक है, और कलरलेस, ओके, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट था एंड अब बढ़ते हैं हम अपनी मेन पार्ट पे, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो जब मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस एसिड, वेट, सॉल्ट प्लस एसिड, सॉरी गाइस दिस इज नॉट एसिड, दिस इज एक्चुअली भाटे H2O, ओके ओके, दिस वाटर, तो ये रिएक्ट करते हैं एंड फिर जो है वाटर होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि मेटल ऑक्साइड जो है उनका पॉजिटिव पार्ट और इनका नेगेटिव पार्ट वो ले लो, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया Cu, तो यहाँ पर आ जाएगा CuCl2, ओके ओके, प्लस में H2O तो है ही, ओके, अब मुझे कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है, ये तो वो हमें अब पता चलेगा क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेस, एंड जो यूँ सोच रहे हैं कि बेस क्या है तो वो बिल्कुल एसिड का उल्टा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें H प्लस आयन थे ना, इसमें होते हैं OH नेगेटिव आयन, ठीक है, एनी सब्सटेंस विद OH नेगेटिव आयन्स, ओके ओके, अब इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एसिड से मेल जोल खाती हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एसिड से ज़्यादा गंदा है टेस्ट करने में, क्यों, बिकॉज इट इज बिटर, बिटर होते हैं, ओके, एंड बिटर तो होता ही है, उसके साथ साथ ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देते हैं, ओके, एंड थर्ड स्लिपरी टू स्किन, यानी ये बहुत ही स्लिपरी होता है, ओके, तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब ये कुछ बेसिस आ रहे हैं जो कि तुम्हें याद करने होंगे, ये यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये याद कर लो एंड हम पढ़ते हैं अब आगे, अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो नंबर वन पे आती है वो है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स, यस,
तो रिएक्शन विद मेटल में क्या होता है कि मेटल में एम लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, मेटल प्लस बेस आता है एंड फिर जो है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन जाता है H2। सॉरी अगर टेढ़ा आ रहा हो तो। इसका एग्जांपल लें तो पता नहीं ये मार्कर एकदम ऐसे क्यों काम करने लग गया। इसका एग्जांपल लें तो जिंक का ही ले लेते हैं क्योंकि उसमें भी हमने जिंक का ही लिया था। तो अभी इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो सेम ही ट्रिक है गाइस, ठीक है। तो जैसे कि उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट कर रहे थे वैसे ही इसमें भी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ऑब्जर्व करो, ओके। तो अभी सोल्ट मुझे याद कर रहा था उनमें से ही एक बनेगा, अगर नहीं बन रहा तो ये नोट करते जाओ, ये सोल्ट ही है, ठीक है। Na2 ZnO2 एंड प्लस में H2, तो हमें बताइए कि प्लस में H2 तो बने ही का। एक और बात, जैसे कि हम उसमें भी नहीं रख रहे थे एसिड्स को भी कंटेनर में नहीं रखते थे मेटल कंटेनर में, तो हम बेसिस को भी नहीं रखते हैं मेटल कंटेनर में। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन या फिर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पे। तो ये जो है बेसिस की लास्ट वाली रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, जब बेस और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो ये तो एकदम रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड हो गई ना, जैसे जो मेटल ऑक्साइड थे वो बेसिक थे, तो ये क्या होंगे, ये एसिड होंगे, ठीक है। एंड इसकी भी सेम ट्रिक है, CO2 प्लस COH2 टर्न्स इनटू CaCO3। यस, एंड H2 तो बनता ही है, तो या दिस इज वेरी सिंपल। ऑल्सो मैं बता दूं कि ये इक्वल होते हैं, तो ये CA, ये CA4, इट इज नॉट इक्वल एक्चुअली, वी हैव टू बैलेंस देम, लेकिन बैलेंस नहीं करना होता जब तक ये पूछते नहीं है, तो यार नो टेंशन विद दैट। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये कैसे बता रहा हूँ कि ये एसिडिक है एंड ये बेसिक है इस रिएक्शन में, तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ, तो वो अब हम समझेंगे अब, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि होती है आपकी एसिड प्लस बेस रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब इतना जान लें तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइजेस और नलिफाइज और रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ अ बेस एंड वाइस वर्सा, दस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थोड़ा सिंप्लीफाई करके गए तो एसिड बेस रिएक्ट टू नलिफाई और ओके सो लेट मी सिंपल इट, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ओके ओके। अब इसका एग्जांपल ट्रिक देख लेते हैं, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम HCl प्लस में NaOH, ये हम कहते हैं। तो एसिड का H प्लस एंड OH जो है उसका, किसका, बेस का, एंड जो बचे उससे वाटर बना दो। तो चलो देखो अब इसका H प्लस क्या है, इसका H प्लस है तो पहले OH नेगेटिव लिखते हैं पहले, ठीक है, पहले ये वाला पार्ट लिखते हैं। तो इसका नेगेटिव तो ये हो जाएगा Na एंड इसका पॉजिटिव, सॉरी गाइस, ठीक है। तो इसका तो H प्लस वाला और इसका OH वाला, इसका तो पहले OH वाला लिख के एंड फिर जो है हम इसका H वाला रख लेते हैं Cl, ओके ये 2 लगा दी क्योंकि यहाँ पे आके बैलेंस इसकी चेंज हो जाती है, नहीं होती, हाँ
एक्चुअली हो जाती है, आई एम कंफ्यूज्ड, प्लस एच टू कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके तो ऐसा होता है बस, ठीक है। एंड बहुत ही सिंपल है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। इसकी डेफिनेशन जो है नीचे अभी भी आ रही है, तो इसे कॉपी कर सकते हैं, बाकी नोट्स हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पीएच स्केल। तो आपने पीएच तो बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा जब आप छोटे तरफ से। तो ये पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच तो एक अमाउंट है, अमाउंट नहीं, मैं एक वैल्यू बोलूँगा जिससे कि हम मेजर करते हैं पीएच स्केल में। एंड पीएच स्केल से क्या मेजर करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, कि वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कैसे करते हैं? तो ये नीचे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, तो ये देखो, अब इससे तुम्हें पता चल गया है कि पीएच स्केल में जो है 0 से 14 रेंजिंग होती है, जिसमें कि 7 जो है न्यूट्रल होता है। तो जो 0 से 7 होता है उसके बीच में, अगर 7 से छोटा, जितना ज़्यादा छोटा होगा 7 से उतना ज़्यादा होगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग, एंड जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा होगा वो बेस स्ट्रॉन्ग, एंड इसका वाइस वर्सा भी है। जैसे कि अगर वो 7 से ज़्यादा है तो वो वीक एसिड भी बोल सकते हैं, एंड अगर वो जो है 7 से कम है तो हम उसे वीक बेस भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसे होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है। एंड अब हम करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, कि पीएच की इम्पोर्टेंस क्या। तो ये काफ़ी ज़्यादा रटने वाला पार्ट है, तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आपके सामने ये पेजेस आ रहे हैं, इनसे आप रीड कर सकते हैं। मैं इनका यही रीड करूंगा एकदम, बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक कोई नैरो रेंज होती है उसी में जो है पीएच जो होता है वही चेंज कर सकते हैं, उसी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी बॉडी तभी करेगी काम नॉर्मली जब उसका पीएच होगा 7 to 7.8। इससे कम या ज़्यादा होने पर, ज़्यादा होने पर तो हमें जो है कमज़ोरी सी आ जाती है, एंड कम होने पर हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ये एक जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है, देखिए जब पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6 तो वो एसिड रेन कहलाती है। मतलब 5.6 से जब बिलो हो गया उसका पीएच तो वो एसिड रेन कहलाती है। एंड एसिड रेन की वजह से जो बूंदें गिरती हैं रिवर्स में, तो उससे रिवर का वाटर भी अपनी पीएच खो देते हैं, कम कर देते हैं। एंड सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, यानी कि समुद्र या फिर पानी के जीव जंतु, अब मुश्किल हो जाता है उनका जीना। एंड सॉइल में भी पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ, देयरफोर द नेचर ऑफ सॉइल इज नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स पीएच एंड देन अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट। इसका मतलब है कि हर एक सॉइल और हर एक प्लांट को एक अपनी स्पेसिफिक सॉइल चाहिए होती है उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो नेचर ऑफ सॉइल को जो है पहले परखा जाता है, कैसे, पीएच से ही, और फिर एक कोई पर्टिकुलर ग्रोप जो है ग्रो करा जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर्स, मतलब सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मतलब क्रॉप भी तो है एक स्पेसिफिक, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर लेना होता है। एंड पीएच इन आवर डाइजेस्ट सिस्टम, तो पीएच मतलब एचसीएल तो आ ही गया होगा तुम्हारे दिमाग में एसिड, तो वो जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। और डाइजेशन के वक्त हमारे स्टमक में जो है प्रोड्यूस अगर ज़्यादा हो जाता है एसिड, तो हमें एसिडिटी हो जाती है, जिसको हमें ठीक करने के लिए कोई माइल्ड बेस होता है तो वो लेते हैं। अभी माइल्ड बेस मतलब एंटा एसिड, जो कि एसिडिटी का इफेक्ट हटा देता है। एग्जाम्पल यानी इनो, ओके 7 रुपए का इनो 7 सेकंड में एसिडिटी की छुट्टी। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, कैसे, टूथ इनेमल जो है हमारे बॉडी की सबसे ज्यादा कठोर पार्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। अगर इसका पीएच अंदर का कम हो जाता है 5.5 से, तो ये एसिडिक हो जाता है। और द डिके ऑफ टूथ इनेमल बिगिंस, तो मतलब टूथ इनेमल में डिके हो क्यों रहा है,
तो क्या होता है जो माउथ में जो पड़े होते हैं ना, वो जो खाने से पहले थोड़ा बहुत रह जाता है, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो माउथ में पड़े हो उसको डिग्रेड कर देते हैं शुगर को और फूड को जो बचा हुआ है, ठीक है, और एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे मुंह में ही रहता है खाने के बाद, और इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, यही अपनी टूथ एनमिल टिके को, क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, यानी कि कुरला कर लो या फिर ब्रश कर लो, एंड टू प्रिवेंट टूथपेस्ट या जो कि बेसिक होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस एसिड को, ठीक है, तो ब्रश इसलिए रोज करा करो नहीं तो टूथ एनमिल डिके हो जाएगा, साइंस भी पढ़ ली है तो थोड़ी कर लिया करो, तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, इसका मतलब इंसेक्ट्स जो हैं कई तरह के एसिड छोड़ देते हैं जब उनके पास कोई खतरनाक जानवर आता है, जिससे कि वो छुप जाएं या फिर वो उसको डरा दें। इसके एग्जांपल, जब कोई तुम्हें मक्खी काट लेगी, हनी बी, ओके, तो वो एक एसिड जो है तुम्हारे, हाँ, जहाँ पे काटा है उसके स्किन के अंदर छोड़ देगी, जो कि बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन कॉज करता है। अगर माइल्ड बेस उसी टाइम लगा दे जिसकी बेकिंग सोडा या फिर कोई ओनियन, मैंने तो ओनियन लगाया कई बार, तो उसके इफेक्ट को रिलीफ मिल जाती है, दर्द नहीं होता। एंड प्लांट में पीएच और भी मैटर करता है, जैसे कि कभी कोई पत्ती तुम्हें चुभ गई होगी तो जलन होती है बहुत ज़्यादा, बर्निंग पेन, एंड वो क्यों होती है, क्योंकि वो जो उन स्टिंगी लीव्स होती हैं उनमें होता है मेथानोइक एसिड, जो कि हमारे स्किन में जाता है एंड फिर बर्निंग पेन कॉज करता है। इसे हटाने के लिए हमें रब करनी चाहिए डॉग प्लांट्स लीव्स ऑफ डॉग प्लांट्स, या फिर जो कि ज़्यादातर उग जाती हैं किसके, उसी न्यूक्टाइल जो कि यानी कि वही प्लांट जिसपे से वो हमें पत्तियां लग गई हैं चुगन चुगन उनसे, तो उसके साइड में मिल जाता है। तो ये हमने पीएच टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब तुम्हारे जो पहले मैं जो डायल्यूट ऐसे डायल्यूट वगैरह वगैरह बोल रहा था उसका चक्कर तो मैं समझ में आएगा, तो डायल्यूशन क्या होता है, तो हम डायल्यूशन सीखते हैं, यानी कि डायल्यूट करने की प्रोसेस, ठीक है, तो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एच प्लस और ओ एच नेगेटिव आयन्स फ्रॉम एसिड और बेस बाय एडिंग देम टू वाटर, द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसका मतलब, तो ओ जब एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन्स को कम करते हैं हम एसिड या बेस को वाटर के अंदर ऐड करके, यानी कि ये वाटर है हम इसके अंदर एसिड या बेस डालेंगे, ठीक है, वो भी थोड़ा थोड़ा, क्यों, अभी रीजन बताता हूँ, ठीक है ठीक है, तो उसके अंदर डालते हैं एंड इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, एंड जो एसिड या बेस इस प्रोसेस के थ्रू गया है वो डाइल्यूटेड कहा जाता है। ओके, अब क्यों करा जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना, बाकी नोट्स में तो है ही। तो द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग बिकॉज द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, तो मतलब हम उसमें डाल रहे हैं तो हमें एक चम्मच से उसे स्टिर भी करते रहना होगा, ठीक है, एंड थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा, पहले इतना डाला फिर इतना डाला, ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे एंड मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस जो है काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे किसमें, कंसंट्रेटेड एसिड में, तो ज्यादा हीट जनरेट होने के कारण मिक्सचर जो है बाहर उछल के भी आ सकते हैं, एंड वो जो जिस टेस्ट ट्यूब या जिस होल जिस उसमें है यूटेंसिल में वो भी फट सकता है, ठीक है, और बर्न्स हो सकते हैं, एंड अगर ये ज्यादा डाल दिया तो भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम ऐड करते हैं एसिड या बेस को पानी के अंदर। ये जो मैंने अभी बताया था कि हाईली एक्सोथर्मिक वो सिर्फ एसिड के लिए था, एंड हम प्रिकॉशन के लिए ऐसा बेस के साथ भी करते हैं बिकॉज जब हम सेफ कर सकते हैं तो हम सेफ से अलग ऑप्शन क्यों करेंगे, है ना, एंड ये भी टॉपिक खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स जो कि आपको याद करने हैं, तो इन सबको याद कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो, या फिर नोट हैं उन नोट्स जो हैं उनमें डाउनलोड करके उनमें भी लिखा हो उनको देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, अब आ चुका है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है आपका सॉल्ट्स, एंड ये सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी है, तो शुरू करते हैं। तो सॉल्ट्स क्या हैं ये हमें नहीं जानना है। तो ये फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, एंड स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा ना उसके हिसाब से, मान लो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो सॉल्ट का पीएच है वो लेस देन 7 है, एंड इसका वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा भी ऐसा ही है। मान लो अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका सॉल्ट का जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 14 होगा, ठीक है। एंड अब जो है हम कुछ सॉल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, एंड उनमें से कॉमन सॉल्ट जो है नंबर 1 है सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। अब ये वही वाला है जो कि हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, यानी कि टाटा नमक, देश का नमक, तो अब इनमें क्या होता है, ये कैसे बनते हैं। जो समुद्र होता है उसमें का ये बीच वाला सीन है, तुम सोच रहे हो तो ये है सैंड, तो ये क्या है, ये लहरें हैं बीच की, ये झाग सा है, इसमें जो है कुछ इम्प्योरिटीज या फिर कुछ सब्सटेंसेस जो है आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आ जाते हैं, एंड जैसे लहर ऐसे 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 आती है तो कुछ जो है डिपॉजिट्स छूट जाते हैं, कुछ पत्थर तो सील जैसे कि देखा हुआ सील छूट जाती है, तो उनमें से होता है सोल्ट, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम दीज सोल्ट्स। अब कई सारे सोल्ट होते हैं, ठीक है, इसमें तो क्योंकि बहुत ही सॉल्टी वाटर होता है, एंड जो डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सोल्ट होता है यानी कि एक सॉलिड सोल्ट होता है वो हमें मिलता है, एंड वो काफ़ी दुनिया के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में भी मिलता है। कहाँ पर, शोर्स पर, शोर्स मतलब समुद्र के किनारे, तो किनारों पर मिलता है। अब जो ये लार्ज और ये बहुत बड़े बड़े ऐसे सेडिमेंट से आते हैं, तो ये पत्थर है मान लो, तो ये बड़ा है, एंड इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रॉक सॉल्ट, इसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर ब्राउन होता है ड्यू टू इम्पेरिटीज, ठीक है। ओके, तो अभी हमें यूँ पता चला है कि जो हमें कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होता है ना वो एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है कई सारे मटेरियल्स के लिए, जो कि हमारे डेली लाइफ में है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे फूड में काम आता है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा कॉमन सॉल्ट। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर CaOCl2 भी कहते हैं, तो ये जो है कैसे प्रिपेयर होता है, ये एक सॉल्ट है, तो ये प्रिपेयर होता है जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं किस पे से, स्लेक लाइम पे से, तो ये स्लेक लाइम है CaOH2, एंड जब हम इसमें क्लोरीन जब डालते हैं फिर पास करते हैं तो CaOCl2 यानी कि हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाता है वाटर के साथ। तो इसकी यूज क्या होते हैं, ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल्स, ओके, एंड टू डिसइंफेक्ट वाटर और टू प्योरीफाई वाटर। ऑल्सो नोट्स में सबसे अच्छा लिखा हो तो नोट्स में देख लेना, अभी मत लिखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि एज अ, इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, एंड
इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो अब है बेकिंग सोडा, जिसे हम यूज करते हैं, तो इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है तो मैं एकदम डेफिनेशन टाइप पढ़ देता हूँ, उसी समझ में आ जाएगा। ऑन रिएक्टिंग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड ऑल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो देखो दिस इज आवर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम, दिस इज ब्राइन और यू कैन से सोडियम क्लोराइड। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद वॉटर, ओके, एंड विद CO2 एंड विद अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओ माय गॉड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज NaHCO3। एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके यूज क्या हैं, तो हमारी बात सुनो। ओके, तो इसकी यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, सिंपल विच बेकिंग पाउडर के, तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ मिल्ड एडिबल एसिड सच एज, एक्चुअली वो जो मिल्ड एसिड है ना, वो जिस जो कि मिक्स किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, वो था टार्टरिक एसिड, जो कि आपने अगर पढ़ा हो तो वो हमें मिलता है इसमें, हाँ वो हमें मिलता है टर्मरिन में, ठीक है, यानी हल्दी में। एंड इसकी जो रिएक्शन होती है वो ये आपकी स्किन पे आ चुकी है, NaHCO3+H+ विच टर्न्स इनटू CO2+H2+SO2। एंड इसका अगला यूज है इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। ओके, ये एंटा एसिड में भी एक इंग्रेडिएंट होता है, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश, जो कि आपने पढ़ा है 8th क्लास में, फायर एक्सटिंग्विश का एक टाइप है सोडा एसिड, तो उसमें एज अ यूज होता है। तो इसके जो यूजेस हैं वो जो ब्रीफली लिखे हुए हैं आपके नोट्स में, तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो पेड है, वो फ्री है एकदम, ठीक है, एंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हीं से लैंग्वेज का पता चलेगा, ठीक है। चलो अगले सॉल्ट पर बढ़ते हैं, अगला जो सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा। तो गाइस ये होता है सोडियम कार्बोनेट या फिर Na2CO3, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आई मीन सोडियम कार्बोनेट इन वॉट, तो Na2CO3, इसकी ये जो फॉर्मूला है ये बोलते हैं Na2CO3 व्हेन एडेड टू 0H2 मॉलिक्यूल्स एंड टर्न्स इनटू Na2CO3 इनटू 0H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये 0H2O का मॉलिक्यूल्स का मतलब का जो है मीनिंग समझ लेते हैं पहले। तो इसका मतलब है कि जो क्रिस्टल होता है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल है, ये अपीयर तो होता है, ये दिखता तो ड्राई है, लेकिन इसके कुछ वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रखता है। क्या मतलब, देर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, आपने समझ में आ गया होगा, मतलब हर एक जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है हर एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। इसके एग्जांपल्स आगे भी आएंगे लेकिन अभी इसके समझ लेते हैं हम यूजेस। तो इसका यूज नंबर वन, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यहाँ पे एक लाइन, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इसमें तो मतलब ही नहीं बन रहा है, तो अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो ये हायर लेवल का, लेकिन बता दूँ कि अगर वाटर हार्ड है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उनके अमाउंट में ही होता है। अगर कम है कैल्शियम और मैग्नीशियम तो जो है वाटर सॉफ्ट होगा, यानी नॉर्मल टाइप, ठीक है। तो अब दूसरा होता है वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स के वॉशिंग में भी यूज होता है। तीसरा होता है इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जो चौथा है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। अब बोरेक्स एक बहुत ही फेमस चीज़ है जो कि तुमने सुनी होगी,
स्लाइम होती है वो बोरेक्स से ही बनती है। स्लाइम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो बोरेक्स क्या करती है एक्चुअली, मैं बता देता हूँ, यूँ ही है वैसे तो, लेकिन बता देते हैं कि बोरेक्स जो है गाइस, आपका जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोज करके और उन्हें नॉन स्टिकी और स्ट्रेचेबल बना देती है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। एंड इसी से ही ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म। अब बचा है सिर्फ एक, जो कि सोल्ट है एक, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइज अब लास्ट सेकंड टॉपिक, नहीं लास्ट टॉपिक आ चुका है। एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दो, अगर समझ में आया हो तो। एंड लाइक भी कर दो, समझ में आया तो कमेंट भी कर दो, और क्या, शेयर भी कर दो, सब कुछ कर दो। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला टॉपिक जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, ओके। तो और ये होता है CaSO4 विद H2 मॉलिक्यूल, हाफ H2 मॉलिक्यूल्स, ओके। एंड इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। अब देखो ना वो एग्जांपल आ गया, वो हाफ मॉलिक्यूल्स वाला है ना, जो पिछले वाला था, वही कौन सा है, वही Na2CO3 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो वैसा ये इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, तो जिप्सम होता है उसे हम हीट करते हैं 0 डिग्री पे या फिर 373 K पे, ठीक है। और वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर तुम्हारे सामने। तो ये उसकी जो है वाइज रिएक्शन होती है। एंड यहाँ पर पॉप की भी आवाज़ आती है, ठीक है, यानी पॉप साउंड इफेक्ट जो होता है उसकी भी आवाज आती है यहाँ पर, ओके। अब होगी इसकी प्रिपरेशन। अब जो ये इसकी थोड़े से बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक वाइट पाउडर होता है, ठीक है, वाइट पाउडर होता है, ठीक है, एक वाइट पाउडर होता है ये, लेकिन जब इसके अंदर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो एकदम रिजिड हो जाता है, मतलब कठोर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है, ठीक है, और जिप्सन बन जाता है, वापस जिप्सन बन जाता है, ठीक है। एंड एक सॉलिड मास भी आ जाता है इसके पास। अब उसकी रिएक्शन जो है ये है आपकी स्क्रीन पे आ रही है। एंड इसकी यूजेस क्या हैं, तो यूजेस हैं इसके आपके सर्जरी में, मतलब कोई सर्जरी हुई है तो आपके बोन को फ्रैक्चर को रखने के लिए वो आपके प्लास्टर जो लगाते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर यूज इट एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। एंड जो दूसरा है वो होता है टॉयज के लिए, ठीक है, मतलब टॉयज भी बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है, टिन से भी बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, पहले बनते थे अब तो पता नहीं, और डेकोरेशन के लिए भी बनते हैं। डेकोरेशन कैसे, जो बड़े बड़े पीस से देखते हो उनके पीछे जो है यही लगा होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उन्हें रिजिड पन देने के लिए, वरना वो सॉफ्ट सी चीजें ऐसे कैसे टिक पाएंगी खुद पर। तो यही होता है उनका, और मतलब जो उनका बेस होता है यही होता है। और ये होता है स्मूथ सरफेस बनाने के लिए, ओके। एंड इस ही के साथ हमारा चैप्टर गाइस हो जाता है कंप्लीट। एंड बधाई हो आपको, मेरे को भी। एंड मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी एंड समझ में आया या नहीं। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर दो, समझ में आया हूँ तो भी सब्सक्राइब और लाइक कर दो। एंड गाइस एंड मुझे कमेंट में बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।